हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कार्स। आज हमारे सामने है इंडिया की रफ एंड टफ मल्टीपर्पज 7 सीटर SUV महिंद्रा की बुलेरो B6 वेरिएंट। आज हम इसका कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे और इसके डायमेंशंस और इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे। महिंद्रा का पुराना वेरिएंट जो आता था उसमें और इसमें सिर्फ आपको फ्रंट में और बैक में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें फ्रंट ग्रिल और हेडलाइट्स को कुछ चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको फ्रंट ग्रिल क्रोम फिनिश के साथ मिल जाती है, साथ ही इसमें जो आपको हेडलाइट्स मिलते हैं ये क्रिस्टल क्लियर लेंस आपको दिए गए हैं। इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, साइड में आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको DRS देखने को मिलेंगे। पुरानी बोलेरो में आपको इसमें बड़ा यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया जाता था, बट इसमें इसके इंडिकेटर सेक्शन को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। इसके साथ आपको इसमें नीचे मिल जाते हैं फॉग लैंप्स, इसके साइड में आपको मिलती है इसमें रेडिएटर ग्रिल, अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में आपको सबसे पहले इसमें देखने को मिलते हैं 15 इंच के स्टील रिम के साथ टायर्स। इसमें आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे के टायरों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं साइड फेंडर, इसके साइड फेंडर्स पे आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाती है ORVMs, डोर अनलॉक हैंडल, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्यूल टैंक, अब हम चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल में आपको सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाते हैं हाई माउंट स्टॉप लैंप, इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं इसमें रियर वाइपर, टेलगेट खोलने के लिए इसका हैंडल, यहां पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, स्पेयर व्हील के कवर पर आपको महिंद्रा और बुलेरो की बैजिंग। नीचे आने पर आपको इसमें मिलते हैं टेल लैंप्स में आपको हैलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, यहां पर इसमें आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, यहां पर आपको मिलती है पार्किंग लाइट, इसके नीचे आपको मिल जाते हैं इसमें पार्किंग सेंसर्स। चलिए अब हम इसके बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं। इसके बूट स्पेस में आपको दो लोगों के बैठने के लिए सीट मिल जाती है। ये दो सीटें आप यूज ना होने पर इनको फोल्ड करके रख सकते हैं, इस टाइप से फोल्ड हो जाती है, जब भी यूज हो आपको इनको आप अनफोल्ड करके यूज में ले सकते हैं। इसमें गेट पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक कैन दिया गया है, इसमें आप रियर वॉशर के लिए पानी फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसकी दूसरी तरफ बुलेरो B6 की बैजिंग मिल जाती है, कुछ इस तरह की ये दिखती है साइड प्रोफाइल में। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी मस्कुलर लुक बुलेरो को दिया गया है। इसके कैबिन की तरफ के ड्राइवर साइड डोर पर आपको डोर ग्रैब हैंडल, डोर अनलॉक हैंडल, लॉक अनलॉक डिवाइस, इसी के साथ आपको नीचे देखने मिल जाते हैं कप होल्डर, फ्रंट की दो विंडोज के पावर स्विच आपको डोर्स पर ना देके आपको सेंटर कंसोल में दिए गए हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके कैबिन की तरफ। इसके एंट्री पर आपको एक फुटरेस्ट भी दिया गया है जिसकी मदद से आप
अंदर जा सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको गोल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जिस पर कोई भी ऑडियो कंट्रोल के स्विच या क्रूज कंट्रोल स्विच आपको नहीं दिए गए हैं। इसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक एयरबैग की प्लेसिंग दी गई है। स्टेयरिंग के साइड में आपको हेडलाइट लेवलर स्विच दिया गया है। यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस जिसमें आप कुछ कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडलैम्प के स्विच मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर के स्विच मिल जाते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह की MID देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आपको शो किए जाते हैं। साथ ही इसमें आपको यहाँ पर फ्यूल का लेवल और यहाँ पर आपको टेम्परेचर लेवल भी शो किया जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है हजार्ड स्विच। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिप की सेटिंग्स और टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड बिल्कुल हार्ड मटेरियल का बना हुआ मिलेगा। कहीं भी कोई भी लेदर की फिनिशिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साइड में आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इसके नीचे आपको मिल जाता है एक ग्लव बॉक्स। ज्यादा इसमें स्पेस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक स्टोरेज स्पेस आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर इसमें आपको देखने मिल जाते हैं दो AC वेंट्स। इसके नीचे आपको देखने मिल जाते हैं महिंद्रा का कैनवुड स्टीरियो, जिसमें आप ऑक्स ब्लूटूथ USB रेडियो FM ऑपरेट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं AC के स्विच। स्विच आपको डिसेंट क्वालिटी के मिल जाते हैं। इसके सेंट्रल कंसोल में आपको डार्क ब्राउन की पियानो फिनिश दी गई है, जो देखने में इसके कैबिन को प्रीमियम लुक दे रही है। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस। इसके बाद आपको मिलता है इसमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स। यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसमें हैंड ब्रेक। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के स्विच और यहाँ भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी सीटों की। तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग की कुशनिंग भी आपको काफी अच्छी दी गई है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसकी पीछे की सीटों पर। पीछे के दरवाजों पर आपको पावर विंडो के स्विच, डोर अनलॉक हैंडल, लॉक अनलॉक डिवाइस, यहाँ पर आपको डोर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। पीछे दरवाजों पर आपको कोई बोतल होल्डर ऑफर नहीं किया गया है। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। हमने इसकी ड्राइवर साइड सीट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। अब इसमें आपको इतना लेगरूम आप देखने को मिल जाता है। स्पेस के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल खुली दी गई है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काफी वाइड एक विंडो मिल जाती है, जिसकी वजह से अंदर एरी एरी फील होता है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। इसमें आप पीछे का स्पेस भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप इसके कैबिन के डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। इसका डैशबोर्ड आपको ब्राउन एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। इसके रूफ पर आपको कैबिन लाइट दी गई है।
ये आप देख सकते हैं। देखते हैं इसके डायमेंशंस की, तो इस गाड़ी में आपको 3900 mm की लेंथ, 1700 mm की चौड़ाई और 1800 mm की हाइट देखने को मिलेगी। इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसमें ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। बोलेरो में आपको कुछ इस टाइप की ऑफर की जाती है। इसमें आपको 3 बटन दिए गए हैं, अनलॉक, लॉक और ये बीच वाले बटन में आपको बजर दिया गया है, जिससे कि आप अपनी भीड़ में भी गाड़ी को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को यहीं पर अंत। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें।